नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। लखीमपुर खीरी में पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर टीम लगातार अभियान चला रही है। अभियान के तहत टीम ने चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तों के साथ चोरी की एक बाइक को बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने तीन बाइक के साथ चोरी के और सामानों को भी बरामद किया है। शातिरों को पकड़ने वाली टीम के सफलता हासिल करने पर अधिकारियों ने उन्हें चेक देकर सम्मानित भी किया। चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को रोका गया और जब उनसे मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की गई, उनके कागजात चेक किए गए, तो वो कुछ भी दिखाने में नहीं दिखा पाए। तो उससे पूछताछ करने पे वो मोटरसाइकिल चोरी की निकली और उनकी निशानदेही पर तीन अन्य मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी बरामद हुई। ये सभी वाहन चोरी के हैं और उनमें से एक मोटरसाइकिल थाना गोला से कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। ये लोग नंबर प्लेट बदलकर उस मोटरसाइकिल को कहीं अन्य जगह बेचने के फिराक में थे कि उससे पहले पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया। वहीं कन्नौज में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के तीन शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शातिर बदमाशों के पास से चोरी के लाखों जेवरात और अवैध हथियार बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि बदमाश कन्नौज के अलावा हरदोई, कानपुर, औरैया में भी चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बदमाश घटना को अंजाम देने से पहले रेकी कर मकान को चिन्हित करते थे, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। लगातार प्रयास कर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में एक सफलता हमें तब मिली जब कल हमने तीन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसमें दो बबलू और धीरू हैं। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, वर्ष 2015 से ही ये अपराध की दुनिया में आ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त इनका एक अन्य साथी विजय, जिसका ये थोड़ा नया है। इन तीनों चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनसे चोरी के हुए सामान 15 अदद तोड़िया सफ़ेद धातु, 2 अदद पायल, 4 चूड़ा और 1 अंगूठी, 3 पेंडेंट, 1 चैन, 4 बिछिया, 1 हाय, 2 कील रिंग्स और 2000 रुपये नकद। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और 3 अदद तमंचे जिंदा कारतूसों के साथ मिले हैं। इनके द्वारा जब उनको पूछताछ किया गया तो इनसे स्पष्ट हुआ कि यह जो है एक अंतरजनपदीय गैंग है, जिसने कन्नौज के साथ साथ हरदोई और अरैया में भी चोरियां की हैं। इस गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक शैलेंद्र सिंह, प्रभारी सर्पलांस टीम, उप निरीक्षक राकेश कुमार, प्रभारी स्वाट टीम, इसके अतिरिक्त हेड कांस्टेबल विजय शंकर, कांस्टेबल कुलदीप यादव, दुष्यंत यादव, करण सिंह, प्रवीण कुमार, सुधीर कुमार, मदन कुमार, शिवराज यादव और भूपेंद्र सिंह शामिल थे। फिरोजाबाद में नवागत एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की टीम ने विजय बाबा हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्या का खुलासा करते हुए जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि हत्यारे को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया था और टीम ने दो दिन के अंदर ही हत्यारोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक नशे का आदी था और नशे में धूत होने के बाद मारपीट के समय हत्यारोपी ने उसे मौत के घर उतार दिया। ये थाना एकाक क्षेत्र अंतर्गत फिरोजाबाद में कुछ दिन पहले एक विजय दीक्षित बाबा नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उनका शव उनकी ही कोठरी में लहूलुहान हालत में मिला था। इसमें पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया था और तफ्तीश शुरू की थी। पूरा मामला अज्ञात में दर्ज हुआ था और हमने रिकॉर्ड 36 घंटे में जो मुलजिम था, जो अपराधी था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया और उसकी निशानदेही पर खून से लथपथ कपड़े भी बरामद किए गए हैं। और पूछताछ में जो बात सामने आई है, उसने घटना करना स्वीकार किया और ये बताया है कि दोनों उस दिन शराब के नशे में थे। विजय दीक्षित और बाबा काफी ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और दोनों में मारपीट शुरू हो गई, गुत्थम गुत्था हुई, जिसका वीडियो भी एक बच्चे ने बनाया था और वो वीडियो भी पुलिस के हाथ लग गया, जिसके कारण से बिल्कुल सटीक इस घटना का खुलासा हुआ है। वही बस्ती के परासडी गांव में रहने वाली 91 साल की महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजना का लाभ न मिलने से निश्चित महिला ब्लॉक परिसर के चक्कर लगाने को मजबूर हो गई। बुजुर्ग महिला की परेशानी को देखते हुए गांव वालों ने उसकी मदद करने के बारे में सोचा और संबंधित अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला बताती है कि कई बार पीएम आवास के लिए प्रधान और सचिव से गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मामले पर सचिव ने बताया कि शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आवास सूची नाम को जल्द ही शामिल किया जाएगा। ताजनगरी आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की टीम पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है।
वहीं युवक की मौत के बाद परिवार वालों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाते हुए बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जो डेथ हुई है लड़के की तो बिजली के तार के वजह से हुई है, तो इसमें से जितना भी प्रशासन की तरफ से मदद हो सकती है हम करेंगे। जैसे पारिवारिक लाभ मिलता है 30,000 का, तो वो हमने अश्योर किया है कि वो मिल जाए, और अगर कृषि दुर्घटना योजना में अगर मिल सकता है तो वो भी मिल जाएगा। ग्रामीणों का ये भी आरोप है यहाँ वहाँ जो स्टाफ है कभी उसकी लापरवाही कहीं ना कहीं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी किस तरीके? इसमें पहले तो मैं जांच कर लूँगा कि एग्जैक्टली किसका फॉल्ट है और कहाँ फॉल्ट है, उसके बाद कार्रवाई पर्याप्त की जाँच में दोषी पाए जाएंगे उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। जो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।